ॐ उद्बुद्धय स्वाग्ने प्रतिजागरै त्वमिष्टा पूर्ते सं सृजे थाम्यं च अस्मनत्त सदस्ते अद्यत्रस्मिन् विश्वे देवाय स्मानससीदतः ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स बुद्धाय नमः। मित्रों नमस्कार, आप सबको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार धन धान से परिपूर्ण हो। और आज वैसे भी धनतेरस है और धनतेरस के दिन बुद्ध ने राशि परिवर्तन कर लिया है और चार राशियों का बुद्ध धन से भंडार भरेगा। धनतेरस पर आपका धन से भंडार भरेगा और चार राशियों के लिए थोड़ा सा कम भरेगा और बाकी चार राशियों के लिए भी भरेगा। तो 12 राशियों का फलादेश आज मैं आपको बताने वाला हूं। और बुद्ध देव 68 दिन के लिए, 68 दिन के लिए वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में प्रवेश कर गए हैं। ग्रहों का बड़ा अनर्थ चल रहा है। नीच मंगल हैं, वो भी लंबे समय तक हैं, बुध भी लंबे समय तक है वृश्चिक राशि में। सूर्य तो हट जाएंगे 16 नवंबर को। मित्रों ज्योतिष पूरा एक विज्ञान है। आप देखो दिवाली के मुहूर्त को लेकर के बड़ी खींची तानी रही है। 1 तारीख को दिवाली का मुहूर्त बनाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आज तक के इतिहास में कभी भी अमावस्या युक्त प्रतिपदा में कभी दिवाली मनाई नहीं गई, चर लगन में कभी पूजा होती नहीं है। ये ध्यान कर लेना, चर लगन में कभी पूजा नहीं होती है। ये शास्त्र बोलते हैं, फलित ज्योतिष बोलती है, पारसर जी बोलते हैं, भृग ऋषि बोलते हैं, जैमिनी ऋषि बोलते हैं और मंत्रेश्वर महाराज बोलते हैं। मैं नहीं बोलता अकेला, मैंने तो उन्हीं का अध्ययन किया है। लेकिन फिर भी लोग जिद पड़े हुए हैं। 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख। अरे भैया, पंचांगकर्ताओं को लोक पर्वों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। खाली आप 44 मिनट के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दिवाली के बलि चढ़ा दो और उठा करके प्रतिपदा में कर दो। प्रदोष काल नहीं है, 44 मिनट के प्रदोष काल के अंदर पूजा कर लो, चर लगन में पूजा कर लो, 44 मिनट में कर लो, कैसे पॉसिबल है? और लोग जिद अड़े हुए हैं, तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क पर कुतर्क किए जा रहे हैं। इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को ही सबसे श्रेष्ठ है, वो मनानी चाहिए आपको। तो आपको 31 अक्टूबर की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों अब मैं 12 राशियों का फलादेश दूंगा और चार राशि जिन पर धनतेरस और दिवाली मेहरबान है उनको भी बताऊंगा और चार राशि उससे आधा और चार उससे आधा। 12 राशियों का फलादेश देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं, मेष राशि से शुरुआत करेंगे। वैसे तो वृष से शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम मेष से ही करेंगे क्योंकि मेष राशि से क्या स्थिति बनेगी। मेष राशि से अगर हम चलते हैं तो मेष राशि का स्वामी मंगल तो नीच चलेगा, ये तो लंबे समय तक चलने वाला है। ये तो 94 दिन तक का पीरियड है, बीच में थोड़ा ठीक होगा फिर नीच हो जाएगा बकरी होकर के। यहाँ बुध देव वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ युति कर ली है, मृत्यु स्थान में पड़े हुए हैं ये। लेकिन धन भाव को देखते हैं, शुक्र धन भाव को देखता है तो 1/3 धन यानी 1/3 बाकी राशियों के मुकाबले इनको कम मिलेगा। और यहाँ पर अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वृष राशि ऐसी है, ये नंबर 1 पर है, धन का और बच्चों का और एजुकेशन का स्वामी बुध शुक्र के साथ है और शुक्र अपने घर को भी देख रहा है और बुध अपनी मित्र राशि को देख रहा है। यहाँ गुरु को शुक्र और बुध देख रहे हैं तो गुरु को बल मिल जाता है। ये एक पहली राशि है जिसमें बहुत पैसा मिलने का योग बनता है। मिथुन राशि,
अब मिथुन राशि के स्वामी तो स्वयं बुद्ध ही है। अब बुद्ध महाराज मिथुन राशि से जा रहे हैं कर्ज के घर में। अब कर्ज के घर में जाएंगे तो अच्छा थोड़ी होगा, ये तो अच्छा नहीं कह सकते। तो आपको 68 दिन तक अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना पड़ेगा। बीच में अभी तो ये अस्त हो जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, सूर्य आएगा, तो आपको थोड़ा सा बचाव करना है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, सुख साधन धन धन की प्रोग्रेस होगी। आपके लिए बुध और शुक्र की युति बहुत अच्छी है और साथ में गुरु भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए धनतेरस सेकंड नंबर पर रहेगी। सिंह राशि वाले नंबर वन पर हैं, वृष राशि और सिंह राशि ये नंबर वन पर हैं। पैसा भी आएगा, लाभ भी आएगा, व्यापार से वृद्धि, कैरियर से वृद्धि और आपको कहीं ना कहीं बोनस जो इंडस्ट्रीज में मिलता है वो भी मिलने के योग आपको मिलेंगे, तो आपके लिए अच्छा है। कन्या राशि विदेशों में जो रहते हैं उनके लिए अच्छा है, पैसा विदेशों से आने का योग बनेगा आपको, तो योग बेहतरीन बनता है। तुला राशि वालों को भी खूब पैसा आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। फर्स्ट नंबर पर तो वृष राशि है, सिंह राशि है और दूसरे नंबर पर मेष राशि और कर्क राशि है और तीसरे नंबर पर सिंह राशि थी, मिथुन राशि थी। और यहाँ तुला राशि आपकी बहुत अच्छी है, ये सेकंड नंबर पर आती है। वृश्चिक राशि में बुध देव 68 दिन रहेंगे और शुक्र तो लंबे समय नहीं रहेगा, तो यहाँ बुध अपनी राशि में आकर के यहाँ बलवान होता है। वैसे तो शत्रु राशि में है लेकिन फिर भी राशि यानी पूर्व दिशा में बलवान हो जाता है, तो केंद्र में यहाँ पर 3 शुभ ग्रह आ जाते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए धन दौलत के लिए लाभ के लिए अच्छा है। धनु राशि के लिए शुक्र और बुध बारहवें भाव में चले गए, अच्छा योग नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड नंबर पर तो आपको मिलेगा ही, तीसरे नंबर पर पैसा आएगा, आपका तीसरे नंबर की राशि है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि का स्वामी धनभाव पर है और मकर राशि में योग कारक शुक्र और भाग्येश बुध लाभ स्थान पर है। व्यापार में वृद्धि होनी है, धनतेरस पर तो आपकी कमाई होनी है, दिवाली पे भी कमाई होनी है, गोवर्धन पूजा पे भी कमाई होनी है, तो जिनकी मकर राशि है उनकी तो कमाई के स्रोत बहुत अच्छे हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे स्रोत हैं इस समय। दिवाली का गिफ्ट आपको जबरदस्त आ रहा है, धनतेरस और दिवाली आपके लिए झोलियाँ भरेंगी, आपके लिए खूब पैसा आने का योग बनता है। और मीन राशि के लिए भी अच्छा है, मध्यम है, क्योंकि भाग्य स्थान पर यह योग बन रहा है। तो आपने देखा कि पहले नंबर की राशि, दूसरे नंबर की राशि और तीसरे नंबर की राशि मैंने आपको जानकारी दी। पहले नंबर पर हैं वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। दूसरे नंबर पर है 1, 4, 7, 10 और तीसरे नंबर पर 3, 6, 9 और 12, यानी जिनकी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, मीन राशि, ये स्थिति है। आगे इसी प्रकार से आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए, पूजा पाठ दिवाली धनतेरस पर करवाने के लिए, इस समय जो पूजाएं होती हैं बड़ी सक्सेस होती हैं, तो आप अपने कुंडली के दोषों की शांति के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे आज लेता हूं नमस्कार और ये मेरा एड्रेस है, आप इस एड्रेस पर संपर्क मुझे कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, ग्ले पार्ले वेस्ट, बजाज रोड, मुंबई 4000056। मुंबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156 और 9212960909820111429 पर। और हमारे विद्यालय में एडमिशन ज्योतिष सीखने के लिए ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।